6 फरवरी के द हिंदू एडिटोरियल एंड न्यूज एनालिसिस में बात होगी देशभक्ति की बनाई जा रही नई तरह की परिभाषा पर। यह कासगंज दंगे से जुड़ा आर्टिकल है। नीचे वाले आर्टिकल से वर्ल्ड बैंक के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मॉडल को समझने में आपको मदद मिलेगी। ये आर्टिकल यूनियन बजट 2018 में प्रस्तावित लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और इन्फ्लेशन को लेकर है। अगला आर्टिकल अंडर 19 क्रिकेट टीम के बेहतर प्रदर्शन को लेकर है। अगले पेज पर यूनियन बजट में प्रस्तावित हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम आयुष्मान भारत को लेकर है। अगला आर्टिकल आजाद हिंद फौज की स्थापना में शुरुआती भूमिका निभाने वाले रास बिहारी बोस के बारे में है, जिन्हें जापान के घर घर में जाना जाता है और आखिर क्यों जाना जाता है ये भी जानेंगे। ये आर्टिकल बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी को लेकर है। हाल ही में वित्त मंत्री ने इसे बैन करने की घोषणा की है। ये आर्टिकल एंटीबायोटिक्स के फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशन पर है। इन सारे आर्टिकल के एनालिसिस के बाद करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिए क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए यह सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो नमस्कार, आपका स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ में। आप सरकारी जॉब की इन्फॉर्मेशन और द हिंदू एनालिसिस का PDF टेलीग्राम ऐप पर पा सकते हैं। इसके लिए आपको सरकारी जॉब न्यूज़ ग्रुप ज्वाइन करना होगा, लिंक कमेंट में मौजूद है। मेन आर्टिकल यूपी के कासगंज में हुए दंगे का विश्लेषण है। यह दंगा 26 जनवरी को हुआ था। लेखक का कहना है कि देशभक्ति की परिभाषा को बदलने की कोशिश हो रही है और देशभक्ति को अलग अलग ब्रांड में बनाया जा रहा है और इसको सांप्रदायिकता के रंग में लपेट कर पेश किया जा रहा है, जैसे कि कट्टरता ही देशभक्ति है। लेखक ने कहा है कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि 26 जनवरी को जो राष्ट्रभक्ति का दिन है, उस दिन वहाँ पर यह सब हुआ। वहाँ हुआ क्या था कि अब्दुल हामिद चौक है, अब्दुल हामिद वही थे जिन्होंने पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए थे युद्ध में और उनको परमवीर चक्र मिला था। वह मुस्लिम बहुल इलाका है और वहाँ पर तिरंगा फहराने की तैयारी हो रही थी, उत्सव का माहौल था, लेकिन तिरंगा यात्रा पहुँच गई वहाँ पर और ऐसे नारे लग रहे थे जिसमें मुसलमानों से देशभक्ति का सबूत मांगा जा रहा था। इसके बाद जो विवाद हुआ और फिर दंगे का रूप ले लिया, युवक की मौत हो गई, फिर एक दूसरे युवक की आंख फोड़ दी गई, ये सब गलत हो रहा है, जबकि भारत की परंपरा रही है सद्भाव की, तो देशभक्ति को सांप्रदायिकता के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। अगला आर्टिकल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर है। इंडिया को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 190 देशों में 100वां स्थान प्राप्त है, तो इंडिया को और बेहतरी के लिए निश्चित रोड मैप बनाने की जरूरत है ताकि इंटरनेशनल कारोबार शुरू होने में देर ना हो। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि अगर कोई इन्वेस्टर इंडिया में कॉन्टैक्ट करता है तो उसका बिजनेस शुरू होने में औसतन 1445 दिन लग जाते हैं, मतलब 4 साल के करीब में, और ये कोई नई बात नहीं है। वर्ल्ड बैंक ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का कुछ पैरामीटर बनाया हुआ है और उसी के आधार पर रैंकिंग होती है। तो इस पैरामीटर में है बिजनेस कितने दिन में शुरू हुआ, कंस्ट्रक्शन परमिट मिलने में कितनी दिक्कत हुई, बिजली कनेक्शन मिलने में कितना वक्त लगा, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन कितनी आसानी से होगा, कर्ज कैसे मिलेगा, माइनॉरिटी इन्वेस्टर हैं तो उसकी सुरक्षा कैसे होगी, जैसे कोई मुस्लिम पारसी, मतलब उस कंट्री का माइनॉरिटी, टैक्स देने में क्या सहूलियतें और दिक्कतें हैं, देश में व्यापार करने में क्या सहूलियतें हैं, दूसरे देश में एक्सपोर्ट करने में क्या क्या सहूलियतें मिल सकती हैं वहाँ पर, और अगर कंपनी दिवालिया हो जाए तो ऐसे मामले में कैसे वो देश इसको निपटेगा। इन सारे पैरामीटर पर खरा उतरने के लिए निश्चित तौर पर रोड मैप बनाने की ज़रूरत है इंडियन गवर्नमेंट को। अभी कुछ काम हुआ है जिसे कोर्ट में बहुत सारा लिटिगेशन हो जाता है, इसकी वजह से बिजनेस में देरी होती है, तो इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में एक कॉमर्शियल कोर्ट, कॉमर्शियल डिवीजन एंड कॉमर्शियल अपीलियन डिवीजन ऑफ हाई कोर्ट एक्ट बनाया है। तो इसमें अलग अलग विवादों को निपटाने की बात है। तो वर्ल्ड बैंक के जो पैरामीटर्स हैं उसको सही ढंग से लागू करने के लिए इंस्टीट्यूशनल सिस्टम की ज़रूरत होगी। चीन में ये सारे काम तुरंत हो जाते हैं जो पैरामीटर मैंने अभी आपको बताए हैं। इंडिया को भी ऐसा ही कुछ करना होगा, रोड मैप बनाना होगा ताकि फटाफट सारे काम हो जाए और बिजनेस इंडिया में बहुत तेज़ी से फैले, ताकि लोगों को रोज़गार भी मिल सके और इंडिया तरक्की। अगला आर्टिकल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को लेकर है। यूनियन बजट 2018 में ये प्रस्ताव है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 1 लाख से ज़्यादा की आमदनी पर 10% का टैक्स लगाया जाएगा। तो लेखक का कहना है कि इन्फ्लेशन यानी जो मुद्रा स्फीति है उसकी वजह से जो कैपिटल है उसकी वैल्यू तो हर साल कम हो जाती है, तो टैक्स ऐसा होना चाहिए कि देश का इन्फ्लेशन होने पर टैक्स भी घट जाए।
जैसे अभी 5.2% का इन्फ्लेशन रेट है, तो अगर 100 रुपये आपके पास हैं तो साल भर बाद आपके रुपए की वैल्यू 94.8 रुपीज़ रह जाएगी। कहने का मतलब है कि महंगाई बढ़ जाएगी तो रुपए में आप कम सामान खरीद पाएंगे। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है उसका इंडेक्शन इन्फ्लेशन पे होना चाहिए। इससे जो कैपिटल गेन होगा उसको इन्फ्लेशन से घटाकर टैक्स लगाना चाहिए, ऐसा लेखक का सुझाव है। अच्छा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की वजह से शेयर बाजार में जो नई व्यवस्था आएगी उससे विदेशी इन्वेस्टर्स को दिक्कत होगी। सरकार को चाहिए कि ग्लोबल मनी मार्केट में भारत की विश्वसनीयता बनी रहे। एडिटोरियल के अगले पेज पर चलते हैं। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट श्रीनाथ रेड्डी का ये आर्टिकल है बजट 2018 के हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम पर। तो ये जो 5 लाख रुपए प्रति परिवार का जो इंश्योरेंस स्कीम है उसको लॉन्च करने की बात है, उसकी बुनियाद जो है वो 2011 में रखी गई थी। देश में सबको स्वास्थ्य सहूलियतें देने के लिए 2011 में ही हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप बना था, तो उसका जो रिकमेंडेशन था उसकी प्रतिध्वनि जो है वो 2018 के बजट में दिख रही है। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, सब सेंटर लेवल और मेडिकल कॉलेज को अपग्रेड करने की बात बजट के ऐलान में है। कोई भी सरकार आएगी तो उसको यही करना पड़ेगा क्योंकि यह पॉलिटिकली अट्रैक्टिव नीति है। अच्छा, एक और बात लेखक कह रहे हैं कि हेल्थ का जो इशू है वो केवल इंश्योरेंस से समाधान नहीं होगा उसका, बल्कि इसके लिए साफ पानी, साफ हवा, न्यूट्रिशन का जो प्रॉब्लम है उसको जोड़कर इससे देखना होगा। अभी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम लाई जा रही है उसमें गरीब लोगों को 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस सरकार उठाएगी। पहले से राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है उसमें 30,000 रुपये का कवर है, तो उससे राहत मिलती थी लेकिन उससे खर्च उतना नहीं निकल पाता था। नुकसान ये हो रहा था कि हेल्थ के खर्च के कारण बहुत सारे लोग गरीब हो रहे थे, जमीन जायदाद तक बेचना पड़ रहा है। सचमुच ये तरीका ठीक है इंश्योरेंस वाला, उससे फ़ायदा होगा, लेकिन अगर प्राइमरी हेल्थ सेंटर और मेडिकल कॉलेजों को दुरुस्त नहीं किया जाएगा तो केवल इसी से काम नहीं चलने वाला है, स्टैंडर्ड मेडिकल गाइडलाइन की ज़रूरत होगी, खासकर डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट और कई तरह की बीमारियों के बारे में। क्वालिटी स्टैंडर्ड और जो प्राइसिंग है इलाज का उसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। हाल ही में आपने सुना होगा कि दिल्ली के एक अस्पताल ने मरीज का 18 लाख रुपए का बिल बना दिया। तो अभी भी परंपरा है कि हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा बिल बना लेते हैं। अभी तक ये तय नहीं कि यह किस तरह हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम को चलाया जाएगा। अच्छा, ये स्कीम राज्यों पर भी निर्भर करता है क्योंकि 40% खर्च तो उसी को उठाना है। और चिंताजनक बात है कि हेल्थ बजट में नेशनल हेल्थ मिशन के बजट को घटा दिया गया है। हालांकि जो अर्बन कंपोनेंट है जैसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सब सेंटर, वेलनेस सेंटर, इन सब को इम्प्रूव करने की बात हुई है बजट में। अगर प्राइमरी हेल्थ सेंटर में बीमारी को चेक करके शुरुआती इलाज नहीं करेंगे तो नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में बहुत ज़्यादा खर्च होगा। अगर केवल इंश्योरेंस पर निर्भर रहेंगे और प्राइवेट अस्पतालों के ही भरोसे रहेंगे तो पब्लिक हेल्थ सिस्टम जहाँ नॉर्मल कॉस्ट पर इलाज मिलता है उस पर टेंशन गड़बड़ हो जाएगा। यह भी एक समस्या है। यह बात नहीं है कि 10 करोड़ परिवार के लोग अस्पताल में भर्ती होंगे ही, फिर भी 2,000 करोड़ रुपए जो है, जो बजट अलॉट किया गया है, वो बहुत कम है। अब कहा जा रहा है कि अक्टूबर 2017 से ये प्लान शुरू होगा, तो अनुमान ये है कि पहले साल में 5-6 हजार करोड़ रुपए की जरूरत होगी, जबकि 10 से 12 हजार करोड़ रुपए सालाना चाहिए, और ये लगातार खर्च बढ़ता जाएगा जैसे जैसे लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा। ऐसा माना जा रहा है कि इसका प्रीमियम 1,000 से 1,200 रुपये पर परिवार होने की उम्मीद है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में जब इंश्योरेंस होता है तो प्रीमियम कम हो जाता है। अब राज्य क्या करेंगे? तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी में कहा गया है कि राज्य सरकारें स्टेट बजट का 8% खर्च करें, लेकिन नेशनल हेल्थ स्कीम का जो गोल है उसके तहत 2025 तक यूनियन बजट में जीडीपी का 2.5% हिस्सा देना है, वो भी दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि केंद्र सरकार कह रही है कि राज्यों को हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम का 40% पे करना पड़ेगा। कुछ राज्य सरकारें अपनी हेल्थ स्कीम चला रही हैं, उन स्कीमों को वो पॉलिटिकली ब्रांडिंग भी करती हैं, तो केंद्र की योजना के साथ अपने प्रोग्राम को क्या वे मर्ज करेंगी, ये भी एक समस्या है और सवाल है। जब वे 40% कंट्रीब्यूट करेंगे तो स्टेट अपनी तरह के नाम चाहेंगे। भारत एक फेडरल स्टेट है। लेखक यही चाहते हैं कि सभी पॉलिटिकल पार्टी में कंसेंसस बन जाए ताकि इस इंश्योरेंस स्कीम में कोई रुकावट ना आए। अगला आर्टिकल रास बिहारी बोस के बारे में है, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाई थी।
भारत में जितने लोग सुभाष चंद्र बोस को जानते हैं उतना ही कम रास बिहारी बोस को जानते हैं। हकीकत यह है कि रास बिहारी बोस ने जापान में आज़ाद हिंद फौज की जमीनी तैयारी की थी। बाद में उन्होंने ही सुभाष चंद्र बोस से आज़ाद हिंद फौज की कमान संभालने का अनुरोध किया था। लेकिन इसके अलावा भी दूसरी वजह है जिसकी वजह से जापान के घर घर में उनका नाम प्रसिद्ध है, और इसकी वजह है इंडियन डिश करी। बोस ने ही जापानियों को करी का स्वाद चखाया था। इससे पहले वहाँ करी बनता था, लेकिन इसमें गेहूं के आटा का इस्तेमाल होता था और शहद डालकर इसको मीठा बनाया जाता था, और ये तरीका जापानियों ने अंग्रेजों से सीखा था। अच्छा, हुआ क्या था कि रास बिहारी बोस देहरादून में फर्स्ट ऑफिसर थे और वो कॉलोनियल सिस्टम के विरोधी थे, और लॉर्ड हेडिंग की हत्या का जो प्रयास हुआ था उसमें उनका भी हाथ था, इसलिए अंग्रेज उनके पीछे पड़ गए थे। तो उस समय रविन्द्रनाथ टैगोर जापान जाने वाले थे, तो उन्होंने अपना नाम भी ठाकुर रख लिया था, यानी बोस ने, और उनके साथ जापान चले गए। जापान में एक बेकरी नाका मुरैया कैफे में गए और वहाँ छिपकर रहने लगे। इस कैफे की मालकिन की बेटी इंटरप्रेटर का काम करती थी, मतलब। तो इसी कैफे में उन्होंने 1927 में भारतीय डिश करी को बनाया। इसमें बेसन, नमक, सुगंधित मसाले का इस्तेमाल किया गया। उस बेकरी में यह करी दोगुने कीमत पर बिकने लगी। और रास बिहारी बोस धोती पहनते थे, बाद में उनकी शादी उसी इंटरप्रेटर से हो गई, और फिर बाद में उसके बाद जापानी नागरिकता भी मिल गई। इसके बाद वो आज़ाद हिंद फौज की भूमिका तैयार करने में लग गए थे। अभी भी नाका मुरैया कैफे बहुत मशहूर है जापान में। अगला आर्टिकल बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी के बारे में है। हाल ही में वित्त मंत्री ने इसे बैन किए जाने की घोषणा की है। दुनिया भर में 1379 क्रिप्टो करेंसी चल रही है, और उनमें से एक है बिटकॉइन, और ये राज्य व्यवस्था को चुनौती दे रहा है। सरकारों को दिक्कत है कि यह टैक्स रेंज से बाहर की करेंसी है, किसने किसको बिटकॉइन ट्रांजेक्शन किया है इसके बारे में पता नहीं चल पाता। ये मुद्राएं बड़े पैमाने पर आर्थिक शक्तियां जो हैं उनको खतरा पैदा कर रही हैं। ये सरकार के करेंसी का जो एकाधिकार है उसके कंट्रोल को खत्म कर देता है। अब न्यूज एनालिसिस करते हैं। केंद्र सरकार की एजेंसी की स्टडी के अनुसार एंटीबायोटिक्स के फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशन की 1/3 दवाएं बिना रेगुलेटर के अप्रूव के बेची जा रही है, यानी इलीगल है। और ये फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशन कहने का मतलब है कि दो तरह की ड्रग को मिलाकर बनाई गई एक दवा, तो इसको यह देखकर बनाया जाता है कि कौन सी दवा मार्केट में कितनी बिक रही है और डॉक्टर किस तरीके से दवाएं लिख रहे हैं। तो बिना रेगुलेटर के अप्रूवल के दवा बेचे जाने से काफ़ी नुकसान हो रहा है। जिन दवाओं की ज़रूरत नहीं है वो भी लोगों को खिलाया जा रहा है, इसकी वजह से बहुत सारे बैक्टीरिया में ड्रग रेजिस्टेंस हो रहा है। ये आंकड़ा जो है 2011-12 का है, और इसके बाद मार्च 2016 में केंद्र सरकार ने 244 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन को बैन किया था। पाया यह गया है कि डॉक्टर ऐसी फिक्स डोज कॉम्बिनेशन की दवाएं लिखते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगला करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ने सोमवार को 15 दिनों की इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। इस घोषणा के साथ वहाँ चल रहा राजनीतिक संकट और गहरा गया है। इमरजेंसी के ऐलान के साथ ही मालदीव के नागरिकों के सभी मूल अधिकार निलंबित कर दिए गए हैं, और जो वहाँ के सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उसको किसी पर भी संदेह होने के आधार पर गिरफ्तार करने का अधिकार मिल गया है, लेकिन सर्विसेज और जो ट्रेड है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब मामला क्या है ये समझ लीजिए कि दरअसल वहाँ के जो पूर्व प्रेसिडेंट है मोहम्मद नाशिद, उन पर आतंकवाद का आरोप लगा था और सजा हो गई थी। पिछले 1 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मुकदमा पॉलिटिकली मोटिवेटेड था। तो अभी नाशिद विदेश में है। अच्छा, वहाँ की सरकार ने 12 पार्लियामेंट्रिशंस को भी डिसक्वालीफाई कर दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश को भी रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को राजनीतिक कैदियों को रिहा करने को कहा, जिसे मानने से इनकार करने पर ये जो संकट है वहाँ पर वो शुरू हो गया है। सुरक्षा बल सुप्रीम कोर्ट के गेट को तोड़कर अंदर घुस गए, और इस बीच चिंतित भारत ने अपने नागरिकों को मालदीव यात्रा टालने की सलाह दी है। उधर अमेरिका ने भी कहा है कि सरकार को कानून का सम्मान करना चाहिए। अच्छा, एक और बात हुई है कि मालदीव के जो पूर्व राष्ट्रपति है मामून अब्दुल, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब्दुल इस वक्त जो राष्ट्रपति हैं अब्दुल्ला यामीन, उसके सौतेले भाई हैं, और जो वहाँ इमरजेंसी लगाई गई है उसके खिलाफ बहुत सारे लोग सड़कों पर आ गए। ज़बरदस्त विरोध चल रहा है प्रेसिडेंट यामीन के खिलाफ, और बहुत सारे सरकारी अधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है। आगे एक दौर था जब अमेरिका और रूस परमाणु हथियार घटा रहे थे,
लेकिन अब दोनों परमाणु हथियार बढ़ाने में जुट गए हैं। रूस ने आरोप लगाया है कि अमेरिका मजबूर कर रहा है कि वह अपना न्यूक्लियर हथियार बढ़ाए। जो पूर्व प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा, उनके समय तय हुआ था कि परमाणु हथियारों को कम किया जाएगा और 2021 तक विनाशकारी जो वेपन हैं उनको घटाकर 1500 तक करने की योजना थी। लेकिन ट्रंप ने जो हाल ही में ऑर्डर जारी किया था कि छोटे छोटे न्यूक्लियर हथियार को अब बनाया जाएगा फिर से, तो इसके बाद वहाँ ट्रंप के विरोधी भी कह रहे हैं कि रूस और चीन अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है न्यूक्लियर वेपन को बढ़ाने के लिए। आगे है ऑनर किलिंग और प्रेमी जोड़े के खिलाफ कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए खाप पंचायतों से कहा है कि वे समाज के ठेकेदार ना बने। और इम्पोर्टेंट बात कही है कि दो वयस्क सहमति से शादी करते हैं तो उसमें कोई भी तीसरा दखल नहीं दे सकता है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अगर कुछ गैर कानूनी है तो कानून के अनुसार कार्रवाई होगी और कोई व्यक्ति, संगठन या परिवार उसमें दखल नहीं दे सकता है। तो ये था 6 फरवरी का द हिंदू एडिटोरियल एंड न्यूज एनालिसिस। इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सपोर्ट मिल सके। अगर आपने ये वीडियो पहली बार देखा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।